गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जिस तरह से आप सभी लोग को पता चल चुका है कि IDBI की जो नोटिफिकेशन है असिस्टेंट मैनेजर को लेकर, जो लोग भी वेट कर रहे थे वो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और वेबसाइट पे आप विजिट भी कर चुके होंगे। पर अब आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या एज लिमिट होता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, यानी पूरे डिटेल में हम लोग इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि IDBI की आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे और क्या क्या चीज यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो आप लोग को मैं बता दूं कि IDBI बैंक के अंदर में जो ये वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर का, ये PGDBF यानी कि यहाँ पर आपका क्लासेस के थ्रू, मणिपाल के थ्रू जो है आपका पहले ट्रेनिंग होता है, वहां पे सिखाया जाता है, फिर इंटर्नशिप होता है, देन फिर आप बैंक के अंदर में इंटर होते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, IDBI बैंक हैज एंटर्ड इन MOU विथ मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बेंगलुरु, एंड नीति एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यानी जो आपका ट्रेनिंग होगा, जो आपकी क्लासेस होगी, क्लासरूम स्टडीज जो होगा, वो आपके दो जगह होते हैं, एक तो बेंगलुरु में, ठीक है, मणिपाल में, जो है मणिपाल यानी बेंगलुरु में, और दूसरा आपका ग्रेटर नोएडा में इस इंस्टीट्यूट के अंदर में होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बता चुका है कि IDBI बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर Grade A का ये पोस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, IDBI बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर यंग डायनामिक ग्रेजुएट्स 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि फाइनेंस, ये क्या है, 1 ईयर PGDBF का मतलब क्या होता है, ये जो आपका 1 साल का जो आपकी क्लासरूम स्टडी प्लस इंटेंसिव होता है, वो टोटल 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। ठीक है, जिसमें कि ये इक्विवेलेंट टू आप एक तरह से कर सकते हैं MBA आप करते हो 1 साल के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये 9 मंथ का आपका क्लासरूम स्टडीज होता है एट कैंपस के अंदर में, यानी आप बैंगलोर में रहते हैं तो मणिपाल में होगा, या फिर आप कहते हैं ग्रेटर नोएडा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, आप सारे कोर्स को कंप्लीट अच्छे ढंग से करते हैं, द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड PGDBF सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और आप एज अ IDBI बैंक के असिस्टेंट मैनेजर Grade A के पोस्ट पे आप जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं कि आप अपने मन से मणिपाल चूज कर लोगे, अपने मन से आप ग्रेटर नोएडा नीति चूज कर लोगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने भी यहाँ पर ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करके रखा है कि कौन से लोग किस जगह पर जा सकते हैं। लिखा हुआ द कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन के जो लोग होंगे ये मणिपाल बेंगलुरु में जाएंगे। ठीक है, रहा बात जो लोग भी ईस्टर्न या नॉर्थ जोन के होंगे वो लोग नीति ग्रेटर नोएडा के अंदर में अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब साउथ एंड वेस्टर्न जोन के अंदर में कौन कौन सा स्टेट आता है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे लोग जो हैं आपके मणिपाल बेंगलुरु के अंदर में अपने क्लासरूम में स्टडीज करने वाले हैं। उसी तरह से नॉर्थ एंड ईस्ट जोन के लोग जो हैं वो आपका ग्रेटर नोएडा में अपने क्लासरूम में स्टडीज को करेंगे, और उसमें ये सारे स्टेट आते हैं। ठीक है, जोन आपका ये होगा यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो वैकेंसी जो है फ्रेंड्स, जानने से पहले आप ये जाने कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी 59.99% भी होता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, 60% मिनिमम होना चाहिए, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% मिनिमम होना चाहिए। एज लिमिट जो है मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 28 ईयर। 28 ईयर कब तक में आपका होना चाहिए, 28 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए, 1/7/2021 तक यदि आप 28 साल के अंदर में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम का जो डेट होगा वो 4 सितंबर 2021 को एग्जाम है। टोटल नंबर ऑफ सीट 650 है, जिसमें जनरल के लिए कितना वैकेंसी है तो 265, SC के लिए 97, ST के लिए 48, EWS के लिए 65, OBC के लिए 175, और PWD कैंडिडेट के लिए 7676 आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्वालिफिकेशन को लेकर के बता ही दिया और परसेंटेज को भी लेकर बता दिया, 60 मतलब 60, 59.99 भी कंसिडर्ड नहीं होगा, 55 मतलब 55, 54.99 कंसिडर्ड नहीं होगा। ठीक है,
इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि जो डेट है वो 28 साल के अंदर होना चाहिए, 1 जुलाई 2021 तक में आपको कहते हैं अ सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए या फिर अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, इस तरह से आप चीजों को देख लीजिए। ठीक है, आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। एज रिलैक्सेशन की यदि बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर का है, और एक्स सर्विस मैन से रिलेटेड जो लोग भी हैं उनकी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, फीस क्या होगी फॉर्म का? तो फीस जो है फ्रेंड्स वो 1000 रुपीज जनरल लोगों के लिए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज का फीस रखा गया है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे और कब तक करेंगे इसके बारे में जाने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर्म 10 अगस्त 2021, यानी आज से ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 22 तारीख तक ये फॉर्म खुला रहेगा, आप उसके बीच में कर सकते हैं, और पेमेंट का भी डेट सेम रहेगा। ठीक है, आप अपने फोटोग्राफ की सिग्नेचर, जिस तरह से आप आईपीएस का फॉर्म भरते हैं लगभग सिमिलर यहाँ पर चीजें हैं, फोटोग्राफ आपका स्कैन करके डालना होगा, सिग्नेचर डालना होगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन डालना होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लिख करके रख डालना होगा वहां पर, आप वैलिड अपने ईमेल आईडी को देंगे, मोबाइल नंबर को देंगे। ठीक है, जिसमें आईडीबीआई आपके कॉल लेटर जो है एग्जामिनेशन का सेंड करेगा, ईमेल आईडी जो आप डालेंगे वहां पर उसी जगह पर। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन के बारे में बता दिया गया है कि ब्लैक इंक पेन से आप क्या कहते हैं व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करेंगे, डायमेंशन जो होना चाहिए 140x60 पिक्सल होना चाहिए, साइज ऑफ फील्ड जो है 10 KB से 20 KB होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन को आप देख लेंगे, ये लगभग लगभग आपका आईयूपीएस के पैटर्न जैसा ही है, डिफरेंस मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो जरूर एक कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फीस को लेकर के मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फीस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 है और अदर के लिए 1000 रुपीज फीस है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स आप सभी लोग को बैंक के अंदर में जाने का, असिस्टेंट मैनेजर को लेकर के आप लोग इंतजार भी कर रहे थे और डेफिनेटली आप लोग को देखने को मिला भी ये चीज। ठीक है, पेमेंट ऑफ द फीस ये है। अब आइए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात की एग्जामिनेशन जो होगी वो पैटर्न क्या होगा इसको लेकर के हम लोग बात करें। ठीक है, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है। हाँ देखिए, अब एग्जामिनेशन जो होता है फ्रेंड्स इसका वन इसके मतलब प्री और मेंस नहीं होता, एक ही एग्जाम होता है, जिस एग्जाम के अंदर में टोटल जो है ड्यूरेशन 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा टोटल कंप्लीट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग डीआई इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज की 40 क्वेश्चन होती है 40 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, और जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस की क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होती है 60 मार्क्स की, यानी कि आप देख सकते हैं टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2 आवर का आपका समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, यानी कि 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, तो ये है, तो आप सभी लोग को आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। इसी देखिए वेबसाइट के अंदर में ये लिंक दिया गया, यहीं से आप डायरेक्टली फॉर्म के अंदर में आप आ सकते हैं, अपने फॉर्म को आप फिल भी कर सकते हैं। रहा बात कोई भी तरह का और भी दिक्कत होगा तो जरूर एक कमेंट करके पूछेंगे, जरूर है कि मैं आप सभी लोग को छोटी सी बात होगी तो मैं कमेंट करके रिप्लाई करूंगा, नहीं तो एक और वीडियो इस पे बना सकता हूँ। आई होप लेकिन मेरा जो बात आपका कहना था ये सफिशेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट जो प्रोग्राम फीस है वो कितना है, 3,50,000 रुपीज फीस होती है, ये जो आप 1 ईयर का प्रोग्राम करते हो उसके लिए, जिसके अंदर में कोर्स फी भी है, लॉजिंग भी है, बोर्डिंग भी है, अदर फी है, यानी कि ये 3,50,000 के अलावा आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा। इसके लिए आपको बैंक जो है लोन भी प्रोवाइड करती है बहुत आसानी तरीके से, आपको इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं, यदि आपके पास पेमेंट करने का ये बात नहीं है तो आपको लोन प्रोवाइड कर देगी, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर के बाद तो आपके पेमेंट में से डिडक्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंसिंग एंड लोन ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, बहुत आसानी तरीके से मिलता है, मैं इस चीजों को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। रहा बात जब आप 9 महीने तक वहां पे क्लासरूम में स्टडी करेंगे, उस 9 मंथ के दौरान में आपको 2,500 रुपीज का स्टाइपेंड मनी भी मिलता है, हालांकि इस पैसे को आप पूरे सेव कर सकते हो, आपको 1 रुपया वहां पर खर्चा नहीं होता है। आफ्टर 9 मंथ्स के बाद जो 3 मंथ का इंटेंसिव होगा उसमें आपको 10,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलता है। ठीक है, तो और ग्रेड पे भी देख सकते हैं 36,000 बहुत अच्छा ग्रेड पे है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है,
तो आप ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, फिर कोई भी दिक्कत होता है मैं आपके लिए हूँ यहाँ पर, आपके लिए ये चैनल है, ठीक है, आप बेफिक्र होकर के आप यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर एक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल ऑफ यू।